रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम के नतीजों के खिलाफ बिहार में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। महाराष्ट्र के थाने में एक फर्नीचर गोदाम सुमारा चामुंडा परिसर में आग लग गई, वहीं किसी के चोट लगने या हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अलीगढ़ में प्रशासन ड्रोन कैमरों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रहा है, ये काम आगे भी जारी रहेगा। राहुल गांधी की पंजाब वर्चुअल रैली में कांग्रेस द्वारा ये दावा किया गया है कि 2 घंटों में 9 लाख लोग शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल के सलार थाना के अधीन पड़ते मुर्शिदाबाद क्षेत्र के तटीय सब डिवीजन में 6 बम बरामद किए गए हैं। इस मामले में एक आरोपी अनारुल शेख को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ गई है और लोगों द्वारा कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा है। पंजाब के गुरदासपुर के चंदू वडाला पोस्ट पर मुठभेड़ के बाद बीएसएफ ने 47 किलोग्राम हेरोइन हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। इस मौके एक सिपाही भी घायल हुआ है। दिल्ली में ठंड से परेशान होकर बेघर लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। इस मौके एक रैन बसेरे के केयर टेकर ने बताया कि इस समय तक रैन बसेरों में 16 से 17 लोग हैं। देश में कोरोना के 2,51,209 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 24 घंटे में 327 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हो चुकी है। भारत के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, दोनों पड़ोसी देश द्विपक्षीय ढंग से मसले को सुलझा लेंगे।